हाउ टू डाउनलोड RTX ऑन मोबाइल फ़ोन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर यूट्यूब पर लाखों वीडियोस हैं और उन पर मिलियंस पे व्यूज़ है, अगर मिलियंस पे नहीं तो 100K+ तो होंगे ही, अगर चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं है तो भी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ तो होंगे ही। मैं इस चीज़ पर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन भाई बात इतनी बढ़ गई कि वीडियो बनानी पड़ रही है। अब भाई बंदे मेरे कॉमेंट सेक्शन में स्पैम कर रहे हैं कि मोबाइल में RTX कैसे डाउनलोड करें। सो क्या सच में हम RTX को मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। Eventually. Yo, what is up guys? It's me, Harsh, and welcome to Minecraft. और आज की वीडियो भी बेसिक्स पर है, और उसी के साथ साथ एक मिथ बस्टर वीडियो भी समझ लो आप इसे, या फिर एक रोस्ट वीडियो समझ लो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मतलब जिस चीज़ के लिए आप लोग इस वीडियो पे, मतलब आप लोगों ने जिस चीज़ के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है, वो तो आपका आंसर है नहीं, हम मोबाइल में RTX को डाउनलोड नहीं कर सकते। अब पूरा रीज़न के साथ अगर आपको अच्छे से समझना है क्यों नहीं कर सकते, तो वीडियो को देखो या फिर नहीं देखो। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको टेक्सचर्स और शेडर्स दोनों में से क्या ज़्यादा पसंद है? सो आते हैं मेन मुद्दे पे। तो क्या हम RTX मोबाइल में खेल सकते हैं, या फिर मोबाइल में चला सकते हैं, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अब क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या आन पड़ा, दिक्कत क्या आन पड़ रही है यहाँ पे, जिससे कि हम RTX मोबाइल पर नहीं कर पा रहे? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि RTX है क्या। तो जो RTX है उसका फुल फॉर्म है रेट रेसिंग, और रेट रेसिंग आपको NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स में देखने को मिलता है। रेट रेसिंग एक ऐसा फीचर है जिससे कि आप अपने जो शेडर पैक है माइनक्राफ्ट में या फिर किसी भी गेम में, उसको और अच्छा लुक दे सकते हो, उसमें शेडोज ऐड कर सकते हो, उसमें जो उसके जो चीज़ें हैं, उसके जो टेक्स्चर्स हैं, उन्हें और डिटेल्ड कर सकते हो, और आँखों को वहाँ पर अच्छा लगता है, और काफ़ी सेटिस्फाइंग चीज़ है, और काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स इंक्रीज हो जाते हैं, और ये चीज़ होती है, और ये सिर्फ NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स में होता है। अगर आपके पास PC है 50-60 लाख का, या फिर 1 करोड़ का, आपने एकदम सुपर कंप्यूटर बना रखा है, और अगर उसमें NVIDIA का ग्राफिक कार्ड नहीं है तो नहीं चलेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आप PC में नहीं चला सकते जिसमें कि NVIDIA का ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो यार आप लोग मोबाइल फ़ोन में कैसे चला लोगे? मैं आपको बता दूं, जो 8 GB RAM या 16 GB RAM के जो PC होते हैं, अगर उनका प्रोसेसर वगैरह जो मतलब लो एंड है, और अगर आप लोग उसमें मतलब काफ़ी लो एंड है, और अगर आप उसमें RTX चलाते हो तो आपका PC जल जाता है, तो क्या आप उस चीज़ को अपने मोबाइल में कर सकते हो? जाहिर सी बात है नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आई कैसे, तो ये मिथ आया कैसे आप लोगों के दिमाग में? तो होता क्या है कि जो माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर्स होते हैं, जो या फिर टेक्निकल यूट्यूबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक वीडियो बना देते हैं और उसमें बता देते हैं कि हम RTX को मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें, और उस RTX की जगह वो लोग दे देते हैं कोई अच्छा सा शेडर पैक। अब कोई बंद मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें समझ आ जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता मतलब शेडर्स और RTX में, तो वो भाई शेडर से काम चला लेते हैं, और भाई वो बुद्धू बन जाते हैं और कट जाता है बेसिकली। सो मैंने आपको बता दिया है कि मिथ कहाँ से आया भाई, और क्या हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और अगर आपको कोई वीडियो दिखे, मतलब YouTube पर कोई वीडियो देखें जिसमें कि वो सामने वाला बंदा बता रहा है कि RTX को मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें, 100% सही चीज़ बता रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ, तो नहीं होगा। या फिर आपका कोई ट्रस्टेड यूट्यूबर ही हो सकता है जिसने इसके ऊपर वीडियो बनाई होगी, मेरे फेलो क्रिएटर से कुछ उन्होंने बना रखी है, तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब काफ़ी लोग बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि हाँ मैं आपको RTX नहीं बता रहा लेकिन उसके जैसे शेडर्स बता रहा हूँ, लेकिन क्लिकबेट होता है, और ठीक है यार हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, और मैंने आपको बता दिया है। सो यार आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आपको पता है क्या करना, लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आप लाइक करोगे तो और लोगों को ये वीडियो सजेस्ट होगी, और उससे होगा क्या कि काफ़ी लोगों के जो मिथ है वो क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका मैंने आपको बता दिया कि आपको चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना है, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट है, या फिर आपको माइनक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे या फिर मेरी किसी भी वीडियो के नीचे जाना है, मतलब कमेंट सेक्शन में आना है, और एक कमेंट कर देना, और उस कमेंट में आपको एक हैशटैग लगाना है, और वो हैशटैग है MTS, मतलब माइनक्राफ्ट टॉक शो। तो इसमें आप माइनक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं हर संडे को एक MTS की वीडियो बनाता हूँ, मतलब माइनक्राफ्ट टॉक शो की, तो उसमें आपका क्वेश्चन ले लूँगा, और हाँ आपका जो डाउट वगैरह वो क्लियर हो जाएगा। सो यार बस नहीं, और अगर आपको और गेम्स
की वीडियोस भी चाहिए तो मेरा सेकंड चैनल देख सकते हो, इससे ज़्यादा मैं प्रमोशन नहीं करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी। Again, sir.